लालची सास की भूत बहू का दूसरा भाग। भूत के डर से शांता जोर जोर से चिल्लाती हुई बेहोश होकर गिर जाती है। फिर दूसरे दिन सुबह उसकी बहू सुरभि आकर उसे जगाती है। नहीं नहीं, मुझे मारो मत, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो। माजी, अरे माजी उठिए, क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा था आपने? आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? भूत भूत, अरे बेटा, रात में मेरे पास भूत आई थी और वो मुझे जान से मारना चाहती थी। अरे माजी, ये आप क्या कह रही हैं? शायद आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। वैसे भी आजकल के दिनों में ये भूत प्रेत कहाँ होते हैं माजी? अरे वो भूतनी तो सारी बुरी सासों से ही बदला लेना चाहती है। अगर उस भूत के बारे में इसे कुछ बता भी दूंगी तो ये तो खुश हो जाएगी। ये सोचेगी कि मेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, मैंने इसके साथ इतना बुरा जो किया था। माजी, आप क्या सोच रही हैं? अरे वो कुछ नहीं, तुमने कहा था ना कि मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा, बस वही सोच रही थी। जाओ जाओ, तुम ना अपना काम देखो। ये कहकर शांता उसकी बहू सुरभि को वहाँ से भेज देती है और फिर सोचने लगती है कि जो कुछ उसके साथ हुआ था वो सपना था या फिर हकीकत। अगर वो सपना नहीं हकीकत होगी तो शांता को लगा कि वो भूत उसे मारने के लिए दोबारा जरूर आएगी, इसीलिए यही अच्छा होगा कि उसकी बहू के साथ प्यार से बर्ताव करे। ये सोचकर दूसरे दिन शांता अपनी बहू के साथ बहुत ही प्यार से बात करने लगी और हर काम बहुत ही प्यार से करवाने लगी। माजी, मैंने नाश्ता बना लिया है, क्या आपके लिए ला दूं? अरे अरे नहीं बेटा, तुम क्यों लाओगी, मैं खुद आकर खा लूंगी। वैसे भी सुबह से कितने काम करती हो। अच्छा पहले ये बताओ कि तुमने कुछ खाया है कि नहीं? जी अभी तक तो नहीं खाया माजी, रात का बासी खाना पड़ा है ना, वही खा लूंगी कुछ अचार डाल के। अरे अरे नहीं बेटा, बासी खाना क्यों, और वो भी अचार से खाओगी? नहीं नहीं, पेट में जलन होगी। तुम भी ना मेरे साथ इडली खा लो और अपने लिए एक बर्तन लाओ। इस तरह शांता अपनी बहू सुरभि के साथ बहुत ही प्यार से बातें करने लगी और फिर उसके साथ ही रसोई घर में नाश्ता बनाती है। फिर खाना बनाने में भी सुरभि की उसने पूरी सहायता की थी। इतने में उसका बेटा गोपी घर पहुंचता है और अपनी माँ के अंदर आए बर्ताव को देखकर वो बहुत ही परेशान हो रहा था और फिर सोचने लगा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जो उसकी माँ इतना बदल गई है। अरे माँ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? मुझे तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नजर आ रहा है। अरे बेटा गोपी, क्या बोल रहे हो, अब हमेशा एक ही जैसे थोड़ी ना रहेंगे। जैसे जैसे वक्त बदलेगा वैसे वैसे इंसानों को भी बदलना चाहिए। हाँ हाँ, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ माँ, तुम और सुरभि ऐसे ही प्यार से रहो, यही तो चाहता था मैं। तुम सुरभि को बिल्कुल पसंद नहीं करती, ये बातें कह के सुरभि बहुत परेशान थी माँ, और बहुत दुखी भी होती थी वो। अरे शायद इसके रोने की वजह से ही वो चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई है, अब किसी भी तरह प्यार से पेश आना पड़ेगा। अगर ये नाटक नहीं करूंगी तो वो भूत मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। शांता ये सारी बातें अपने मन ही मन सोचने लगी थी और फिर बहुत ही अच्छाई का नाटक कर रही थी। इस तरह पूरा दिन अपनी बहू के साथ बहुत ही प्यार से पेश आ रही थी। फिर जैसे ही रात हुई शांता बहुत डर गई थी और अपने कमरे में जाकर चादर ओढ़कर सो गई थी। फिर उसे रात को अचानक किसी के डरावनी डरावनी हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी। क्यों री शांता, सो रही हो,
या फिर नाटक कर रही हो? अरे बाप रे, ये भूत फिर से आ गई। नहीं नहीं बेटा, कल तो तुम मुझे मारने वाली थी ना, तो मारे बिना वापस क्यों चली गई तुम? वो तुम्हारे चिल्लाने की आवाजें सुनकर तुम्हारी बहू आ गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी। और सुबह से मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखी हूँ। तुम तो बहुत ही बदल गई हो, अपने बहू से बहुत प्यार करने लगी हो, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, तुम्हें मैं छोड़ दूंगी। हाँ हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छे दिल की हो। वो तो नसीब बुरा था कि तुम एक आत्मा बन गई हो और लोगों को डराती हो, वरना तुम जैसी अच्छी तो कहीं हो ही नहीं सकती। अरे वाह, मुझे मक्खन लगा रही हो। कल तक एक तरह और आज एक तरह, बहुत बदल गई हो। फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जब भी तुम तुम्हारी बहू के साथ कोई अन्याय करोगी, मैं तभी तुम्हें मार डालूंगी। मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी, समझ रही हो तुम? अरे समझ गई मेरी माँ, समझ गई। आज के बाद मेरी बहू को मेरी बेटी की तरह प्यार करूंगी। अब तुम जाओ यहाँ से। फिर तो ठीक है, अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। जैसे ही शांता सो जाती है, वो भूत वहां से गायब हो जाती है। शांता अपनी जान के डर से उसकी बहू सुरभि के साथ प्यार से ही बर्ताव करने लगी थी। हमेशा बहुत ही प्यार से बातें किया करती थी। अपनी सास के अंदर ये बदलाव देखकर सुरभि भी बहुत खुश होकर जीने लगी थी। अरे सुरभि, तुम इतना क्यों हंसे जा रही हो? ऐसी भी क्या कॉमेडी छुपी है उस बुक में? आखिर वो कौन सी बुक है? अरे वो भूत का भेष डालने वाली बहू की किताब पढ़ रही हूँ। ये बहुत अच्छी है। इसमें जो बहू है उसने अपनी सास को बहुत सताया था। क्या आप भी पढ़ना चाहेंगे? अरे नहीं, इसकी जरूरत मुझे नहीं है। तुम्हारा पढ़ना खत्म हो जाए तो जल्दी से सो जाना। जी ठीक है, गुड नाइट। हाँ, तो आपको समझ आ गया होगा ना कि असली भूत कौन है। ऐसी और कहानियाँ अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना।